विपक्ष दल कटोरा लेकर वोट की भीख मांगेगा तो भी उसे कोई वोट नहीं देगा और 2024 में यही हालात उनके होंगे। जी हां, बीजेपी हिंदूवादी नेता और राजू चंदेल ने यह बात करी है जम्मू कश्मीर में। आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए 22 जनवरी 2024 को उन्होंने ऐतिहासिक दिन इसे बताया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अयोध्या में भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और इसका उद्घाटन इस दौरान किया जाएगा। इस दिन हजारों वर्षों के बाद में हमारे पूर्वज जो कि सनातन धर्म को मानने वाले उनकी इच्छा पूर्ण होने जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश और पूरे विश्व में फैले सनातन धर्म और हिंदू परिवार एकजुट होकर यहाँ पर एक साथ राम लला को लेकर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको लेकर शुभकामनाएं देंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम विराजित हो जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, इसको लेकर उन्होंने जानकारी दी है। जय श्री राम। पत्रकार भाइयों, जैसा कि आपको जानकारी है, सैकड़ों हजारों वर्षों से रामलला अयोध्या के अंदर टेंट के एक अस्थाई जगह विराजमान रहे। मुगलों द्वारा आक्रमणकारी जो मुगल थे, उन्होंने भगवान प्रभु श्री राम का जो मंदिर तोड़ करके वहां अपना गुंबद खड़ा कर दिया था। आज सैकड़ों हजारों वर्षों से आज भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, उनका महल बनकर के तैयार हो गया है और जनवरी में उसका विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है। तो हमारी भी तमाम विश्व में फैले सनातन धर्म प्रेमियों का, हिंदू धर्म के मानने वालों का एक ही मकसद होना चाहिए इस बार, और लगभग करोड़ों लोगों ने यह ठान लिया है कि जो प्रभु श्री राम को लेके आए हैं हजारों वर्षों बाद, जो हमारे पूर्वजों की एक महत्वाकांक्षा थी कि प्रभु श्री राम अपने घर अयोध्या नगरी में उनका भव्य महल मंदिर हो, तो आज वह मुराद पूरी जिस भी दल ने की है तो उस दल को लेके आएंगे। जो प्रभु राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। ये लोग सनातन धर्म के लोग मान ले और मान चुके हैं। आज 2024 के लोकसभा चुनाव में जो प्रभु राम को लाए हैं, पूरा देश उनको लेके आएगा, उनकी सरकार बनाएगा। और जो लोग इसके विरोध में रहे थे, मैं उनसे कह देना चाहता हूं, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं होगी इस भारत वर्ष के अंदर, क्योंकि प्रभु श्री राम के मानने वाले, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं। हमने बड़े अपने पूर्वजों की कुर्बानियां दी है राम मंदिर निर्माण को लेकर के। तो आज राम मंदिर ही नहीं, मथुरा काशी में भी भगवान विश्वनाथ जी, भगवान श्री कृष्ण जी को उनका स्वरूप, उनका मंदिर, उनका घर दिए जाने का एक प्रण ले लिया है। तो भैया सनातन प्रेमियों एक हो जाओ, वरना गजवाए हिंद से कोई आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हिंदू को अब जागना पड़ेगा और हिंदू जाग चुका है, सनातन प्रेमी जाग चुका है। हमें 2024 में अपनी भारत जनता पार्टी की सरकार बनानी है और जो विरोधी है, सनातन धर्म के विरोधी है, उनको भाग का रास्ता दिखा देना है। जय श्री राम, जय हिंद।